नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। महाराजगंज में वैसे तो लहरा मंदिर वर्तमान परिवेश में आदिशक्ति माँ दुर्गा के नाम से ख्याति प्राप्त है, लेकिन वहीं द्वापर युग से ही यहां अपनी तपोस्थली बनाए देवराहा बाबा के नाम से ही आद्रवन बन जाता था, जो पबह नाला के समीप अपनी दूही जलाकर तप में लीन रहते थे। पबहरी बाबा योग माया के भक्त बताए जाते हैं और नाग के रूप में आज भी देवराहा बाबा जीवित हैं, जिसके साक्ष्य भी कभी कभी बाबा के दूही में देखने को मिल जाता है। आज भी धोनी पर नाग देवता के बैठने का स्थान और गद्दी ऊंची होने लगती है जब देवराहा बाबा की उपस्थिति होती है, और दूही से भी बम बम की आवाज़ आती है। पाँचों पांडव भी अज्ञातवास के दौरान बाबा के तप को देखकर उनकी कुटिया पर कई दिनों तक उनके सेवा कर आश्रम में अपना ठिकाना बनाया था। पौहारी बाबा के स्थान है, सिद्ध पीठ है, अखंड धुनी है। ये देश कल्याण के लिए भभूति की निर्माण किया गया है। जब भभूति के निर्माण हुआ तो माता जी से प्रश्न किया कि हे माता जी, मैं अब समाधि लेने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मेरा भभूति देश कल्याण में चलाना, मैं जिंदा समाधि लेने जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए पांचों पांडवों से कुछ इसे रिलेटेड। पांचों पांडवा जब जिस समय में पौहारी बाबा अखंड धुनी पर बैठे हुए थे हमन करने के लिए, तो पांचों पांडवा देख रहे हैं कि एक जोगी बैठे हुए हैं। धर्म दृष्टि ने देखा, भीम ने देखा, सभी ऋषि महर्षि पांचों पांडवा ने आया, द्रौपदी भी आए हैं। जब आए तो रात में देखा कि वो एक बूढ़े बाबा ने आधा धोती पहन के आधा धोती ओढ़ के आ रहे हैं। पांचों पांडवा के अज्ञातवास में बाघ भी बैठे हुए थे दरवाजा के सामने। तो क्या यहाँ विश्राम किए थे पांचों पांडव? पांचों पांडवा विश्राम किए हैं। पांचों पांडवा के रात में सपने हुआ कि हे पांचों पांडवा, मेरा धोनी के लिए रक्षा करने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो ये लहरा मंदिर और इसका क्या इतिहास है? ये माता जी के पहले पौहारी बाबा आए हुए हैं। पौहारी बाबा ने ही माता जी का जो है पिंड जो है हाँ अर्पण किए हैं। कहा कि हे माता दुर्गा, आपने छिपी रूप पर हैं, तो आप प्रकट होके मुझे दर्शन दो। इस धुनी के जो है सुना गया है कि इस धुनी के जो है राग से जो है मरीज और पशुए जो ठीक हो जाते हैं, तो इस पे क्या कहना है? इसी रूप में कि माता जी ने स्वयं भभूति के लिए आशीर्वाद दिया कि जहाँ तक मेरे भभूति जाएगा पौहारी बाबा के नाम से, वो देश कल्याण के लिए ठीक हो जाएगा। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।